हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई फाई स्टूडियो सिवेंदी लर्निंग। हम लोग पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से क्या कर दिया है। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर कर दिए। पहले नेगेटिव थी, अब इसको स्टेबल कर दिया है, यानी स्थिर कर दिया है। इसने भारत की रेटिंग को BAA3 पर बरकरार रखा है, जो सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग को दर्शाता है। उम्मीद है कि 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसके बाद अगले वर्ष में 7.9% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे ट्रेड रिवर्सिबल डिस्काउंट सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। तो ये है BSC टेक्नोलॉजी को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ट्रेड रिवर्सिबल डिस्काउंटिंग सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। BSC टेक्नोलॉजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो IT समाधान प्रदान करती है। अगर ट्रेडर्स की बात करें, ट्रेडर्स की यानी ट्रेड रिवर्सिबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण या छूट की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सिक्योर्ड ओनर नाइट फाइनेंसिंग रेट यानी सोफर। सिक्योर्ड ओनर नाइट फाइनेंसिंग रेट ट्रेड फाइनेंस डील टर्म करने वाला पहला भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है। तो ये निजी क्षेत्र का बैंक है एक्सिस बैंक। लेन देन को राजस्व के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के लिए निष्पादित किया गया था और एक्सिस बैंक की गिफ्ट सिटी IBU शाखा द्वारा वित्त पोषण 90 दिवसीय सिक्योर्ड ओनर नाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़ा था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियन में पुरुषों की 50 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर थ्री पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के किस स्पर्धा से बाहर हो गया है। तो भारत बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसने देश के यात्रियों के लिए COVID-19 चिंताओं और UK के भेदभाव पूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया है। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप में इंग्लैंड के इसी तहत के कारणों से हटने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ग्लोबल 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटी अवार्ड की घोषणा की है। इसे महामारी प्रतिक्रिया पर ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने के लिए एक्सचेंजर, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष नेताओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसने भारत को COVID-19 की दूसरी लहर से लड़ने में मदद की। अक्टूबर 2021 में इंडिया ID समिट के दौरान जूली स्वीट, अरविंद किसड़ा और ब्रेंड स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के लिए नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है वेंडी वर्नर को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के लिए नए कंट्री हेड के रूप में वेडी वर्नर को नियुक्त किया है।
नेक्स्ट इंटरफेयर है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंटरफेयर है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीती हैं नायमा कपूर ने आईएसएस जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट इंटरफेयर है हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव को चुना गया है। सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट इंटरफेयर है हाल ही में अमृतांजन हेल्थ केयर ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमृतांजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया दोनों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट इंटरफेयर है हाल ही में किसने एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया है? तो स्कूल इंडिया ने एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया है। नेक्स्ट इंटरफेयर है दिल्ली के मुख्यमंत्री वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो इस योजना का नाम है शीतकालीन कार्य योजना। नेक्स्ट इंटरफेयर है हाल ही में किसने PSTCCI के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ये पदभार ग्रहण किया है प्रदीप मुल्तानी ने PSDCCI के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने पैरामाउंट केबल समूह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अग्रवाल का स्थान लिया है। साकेत डालमिया और संजय अग्रवाल ने क्रमशः PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी PhDCCI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट इंटरफेयर है पायलट परियोजना के तहत COVID-19 में अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक के खोने वाले बच्चे को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये वित्तीय सहायता 2000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार COVID-19 में अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को 2000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा रायसेन और सीहोर जिले में पायलट आधार पर समर्पण फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट इंटरफेयर है थैंक यू।